ये बेसिकली रिसोर्ट कम विला है, दस द सन हेवन। Here we have a five type of room. इस रिसोर्ट की खासियत है ना जो मेरे को समझ आ रही है कि ये कम्प्लीटली नेचर फ्रेंडली है। दिस मोस्टली फॉर द हनीमून कपल। इट्स अप्रोक्सीमेट 100 यूएस डॉलर के अंदर ये सनसेट व्यू आ जाता है जी। आपको पहले यहाँ का सबसे टॉप रिसोर्ट कर्मा रिसोर्ट मैंने दिखाया था। उसकी खासियत थी कि वो लॉकडाउन के अंदर भी पैक था, इंडोनेशियन लोकल आए हुए थे। अभी बाली में टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी हैं मार्केटें आपने देखी, उसके बावजूद भी वो 95% ऑक्यूपाइड हैं। अभी इस लग्जरी ट्रिप के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4-star और 5-star विलाज। एक्सपेंसिव तो वो होंगे ही, वो कितने एक्सपेंसिव हैं, विला कैसे है। अभी मैं आया हूँ उबद के एरिया में। मेरे ये चारों तरफ की आप ग्रीनरी देख के समझ ही गए होंगे ये कितनी लग्जरी प्रॉपर्टी होगी, जो ऐसी ग्रीनरी में, ऐसे हेवन में है कि जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मतलब कि आप देखोगे ना, नारियल के पेड़, चावल के खेत, बनाना की फार्मिंग, ये सब यहाँ पे इतना खूबसूरत है। तो ये भी बिल्कुल एक आउट ऑफ द लग्जरी है। लग्जरी की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, मेरे को था कि बाली के अंदर मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जो आज तक किसी ने कवर ना हो, कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज़, प्राइम लग्जरी प्रॉपर्टीज़। तो मेरी कोशिश वही है दिखाने की। चलिए इस विला को हम एक्सप्लोर करते हैं, प्राइसेस पूछते हैं, ये विला कैसा है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं और क्या विला का नाम है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बनाता हूं। विला की एंट्री, ये बेसिकली रिसोर्ट कम विला है, दस सन हेवन। ये भी 4-star और 5-star की रेटिंग के बीच में आ जाता है। ये एंट्री है इसकी। ये दोनों तरफ बनाना के प्लांट्स लगे हैं और राइस फार्मिंग है। ये देखिए, ये पार्किंग की जगह बनी हुई है जहाँ पे 2-wheeler और 4-wheeler रखे जाते हैं। ये बेसिकली ये रिसोर्ट हार्ली डेविडसन क्लब में आता है, हार्ली डेविडसन द्वारा भी स्पॉन्सर किया जाता है यहाँ पे। उनके कुछ कस्टमर्स या कैसे भी लोग यहाँ पे आके रुकते हैं, वो चीज़ है। ये रिसेप्शन आ गई जी, ये मेरे फ्रेंड आ गए जो लेके आए हैं। तो यू आर द मैनेजर? No, the time I was for 5 years here. Okay. The manager is still outside of the city. Okay. They're still in Surabaya right now. Oh. The manager. Okay. What is your name? My name is Madi. 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 M-I-D. The second born. Okay. He is the supervisor here. So, ये अपने को पूरा अभी resort दिखाएंगे. You can also go with. Yeah. Sure. Okay. So before we go, that's maybe you can move in some drain or you tell later about the property. What kind of villa you have? Okay. What is the category and what is the star rating? You can tell about the many things. Okay. Come? Thank you very much. Okay. So here we have a five type of room. Okay. The first, the lowest one is a deluxe room. Okay. Then we have a Inara suite also. Okay. Also we have a heavenly suite. Okay. Then also we have a one bedroom private pool villa. Okay. Then two bedroom private pool villa. Okay. Yeah. I will show you our one bedroom private pool villa first. Yeah, we see the first villas only because I already see the resorts, Karma resorts. We already see that because people want to see the villas. Because hotel and resorts are many in the Uber and Kotas. People are coming here. Only for the prime properties because if I'm staying here only for the villas. If we have the luxury villa for the honeymoon package, people coming for the honeymoon. And one thing, मैंने एक person को introduce नहीं किया, she is my friend from last 6 year. तो ये मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे, इनके आगे friend का ये villa है, तो ये मेरे को लेके आए हैं। तो इनका ट्रैवल का काम है, मैं इनका इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा। इफ़ यू नीड द सर्विस यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, सॉरी कॉन्टैक्ट विद ऑन द इंस्टाग्राम। शी इज़ वेरी नोन अबाउट द बाली। अगर इफ़ यू आर कमिंग विद द फैमिली, ये आपको बहुत अच्छा विलाज, आपको यू नीड द बुक द विला, देन यू ऑल्सो कॉन्टैक्ट दैट गर्ल। एंड इफ़ यू नीड द कार एंड इफ़ यू नीड सराउंडिंग अबाउट द बाली, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दिट गर्ल ऑन द इंस्टाग्राम। This is our main pool. Okay. This is our main pool that we have a pool bar also over there. Okay.
We have a spa, gym, and then yoga place also. Wow, that's great. Yeah, yoga place. Later I will show you the spa and the yoga place as well. Oh. And the gym as well. The first, we can go to the villas. Okay. Yeah. Okay, please. जो बेसिकली इस रिसोर्ट की खासियत है ना, जो मेरे को समझ आ रही है कि ये कम्प्लीटली नेचर फ्रेंडली है। इन्होंने नेचर के साथ मैचअप करके नेचर को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए इस रिसोर्ट को बनाया है, सो दैट आप नेचर को फील कर सकें। पूरे रिसोर्ट के अंदर आप शायद वीडियो में भी देख रहे होंगे भी ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, इन्होंने ग्रीनरी का इतना ज़्यादा ख्याल रखा हुआ कि प्लांट्स को काटा नहीं हुआ और बहुत स्मार्टली प्लांटिंग की केयरिंग की हुई है। वो सबसे बेस्ट इनकी जो थी मेरे को चीज लग रही है। दिस इज 1 BHK, 1 bedroom प्राइवेट पूल विला। 1 bedroom प्राइवेट पूल। ओके प्लीज श्योर प्लीज। दिस मोस्टली फॉर द हनीमून कपल। या दैट मोस्टली फॉर द हनीमून कपल। ओके दैट्स रियली क्वाइट हियर। ओके क्वाइट एंड रोमांटिक। If they fight, they where is romance? some people are fighting on also on the honeymoon. Sometime. Then all the resort will listen. No quiet. Yeah, sure. The. Okay, then here's the room. Yeah. Okay, I will turn on the light. Yeah. Yeah, sure. Oh my God. Sorry. It's okay. It's okay. Bedroom. Yeah. Bedroom. 45. It's 45 inch, na? Yeah. 45 inch shop. Washroom आ गया। Washroom बहुत ज़्यादा eco friendly बना हुआ है। आप एक चीज़ देखिए, हर चीज़ wooden की है, framing, नीचे glassing और everything। इसके अंदर भी उन्होंने आपको bathtub दिया हुआ है, marble का बना हुआ one stone bathtub है। It's very costly। ये यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है। ये वॉशरूम ही इतना शानदार बना हुआ है तो आप इमेजिन लगा सकते हो कि कितना शानदार है, क्योंकि वन स्टोन इन्होंने जब बाथटब दिया हो तो इसमें लग्जरी की इंतहा है। दिस रियली स्ट्रॉन्ग वुड। मोस्टली जो वुडन यूज हुई है सारे विला के अंदर, चाहे बेडिंग में, चाहे इंटीरियर में, चाहे डेकोरेशन में, टेबल के अंदर, ये लोकल वुड है जियाती करके, और बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छी वुडन है, क्योंकि इसकी जो लुक आ रही है बहुत ही प्यारी आ रही है। आप दूसरी आ जाएं हम बेड के ऊपर, जो मेजर चीज़ है, जिसके जो हनीमून विला के अंदर मेन चीज़ रहती है, बेड को एक नाइसली इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। बेड के ऊपर 4 lamp देने के बाद वुडन का बैक साइड दिया हुआ, बेड के ऊपर बैक लाइट है, ऊपर अच्छे से डेकोरेशन करके साथ में इनका वुडन का ही शीट डाला हुआ है। एंड मोस्टली व्हाट इज द प्राइस टेंटेटिव फॉर दिस विला? The price that's around this season that's starting from 1,200,000 rupiah. It's 1,200,000. Yeah, for the 1 bedroom private pool. It's approximate $100. Approximately. It's off season price or season price? This price is off season price or season price? Sorry again? This price is for right now? Yeah, for right now. This is season or off season? This is you mean? Maybe August is the season for Bali. Yeah, August is different again. I guess that will be the price a little bit. Little bit. Yeah. बेसिकली क्या है ना, इंडोनेशिया में अगस्त तो समझ, अगस्त सितंबर अक्टूबर इज द पीक सीजन। दिसंबर से फिर इनका रेनी सीजन आ जाता है, ऑफ सीजन चला जाता है, तब मोस्टली प्राइसेस 20% to 30% जंप हो जाते हैं। बट ये मेरे को ये लग रहा है कि प्राइस बहुत जेन्युइन 100 US डॉलर, कोई ज़्यादा तो नहीं कह सकते अपने इंडियन करेंसी में। 8,000 फॉर हनीमून पैकेज के लिए बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। If they need the honeymoon package, then what you provide in the honeymoon package and what is the price tentative? Yeah, that's for sure. That's how we can organize the special package for honeymooners. Okay. The price that will be including a romantic and light dinner. Okay. Then also daily morning trip. Okay. Morning trip around the village to see the local culture, the rice field. Okay. Then also the Balinese massage as well. Okay. Yeah, Balinese massage.
And then we have a prize for the kids also. They are some providing pool and with food, flowers and bed are also. There's also with a with a bed setup also with a romantic setup on the bed. Yeah. Then if you would like to or if the customer would like to special setup up by the pool also. Okay. Something like a pool flower we can organize also. Okay. Tentu, what is the costing for the romantic setup? Romantic setup for the pool only, yeah. For the pool only, they're going to be a 800,000 rupiah or 900,000 rupiah. If they need only one day, all romantic package, pool and bed and everything, it's costing near about $100. Yeah. 13. Including dinner, yeah. Yeah. Including dinner, that's more than $100. More than $100. Okay. That's ये 2 BHK विला का ये सेकंड बेडरूम आ गया okay. इसमें ये बहुत अच्छी बात है 2 सिंगल बेड्स ही हैं जैसे 4 अडल्ट आ रहे हैं मैं आ रहा हूँ अभी मैं आ रहा हूँ सपोज करो अपने बच्चों के साथ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरे को उनके लिए सेपरेट चाहिए अभी दोनों बेटे मेरे यहाँ पे हो जाएं हस्बैंड वाइफ हम वहाँ पे हो जाएं तो ये कंप्लीट फैमिली के लिए अगर आप 2 कपल भी आ रहे हैं तो ये पर कपल के टाइम पे ये सेपरेट बेड है अगर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो बट इट इज कंप्लीट फैमिली पैकेज तो इसका भी वही है बाथरूम सेम ही होगा वेल फिनिश्ड एंड ओ इसके अंदर इन्होंने बाथ टब नहीं दिया हुआ और ये क्लोज है वो एंड पे ओपन था पीछे उसके गार्डन था वॉशरूम के अंदर इसमें गार्डन नहीं है शावर दिया हुआ और प्रोवाइडिंग ग्रोसरीज है व्हाट इज द टेंटेटिव प्राइस ऑफ 2 BHK विला टेंटेटिव प्राइस एप्रोक्सीमेटली अबाउट 1,500,000 रुपया Approximately $120. Yeah, approximately $120 per night. That's including breakfast for person already. Breakfast, you providing in the breakfast, it's limited option or you have buffet? Normally we have a la carte menu or okay. set menu. Okay. But sometimes if the group coming, okay. if they request for buffet, okay. Of course we have to organize also. Okay. Yeah. Because in 2018 I come with my family. Then mm-hmm. at that time I stay in the Kota. Mm-hmm. Because we are the hardcore vegetarian. Mm-hmm. Indian are very hardcore vegetarian. Mm-hmm. We are not eat even egg mm-hmm. also. Mm-hmm. Then if some families come, they mm-hmm. need only vegetarian food, then we can provide? We can provide. Okay, so this is our heavenly suite. Okay. That's really nice room. लीजिए ये स्वर्ग का रूम है heavenly suite. Heavenly suite. Yo. By our name, at the heaven. Heaven mean in Indian language स्वर्ग. Word. स्वर्ग 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 या इन इंडोनेशियन सुरका सुरका ऑलमोस्ट द सेम ऑलमोस्ट द सेम ये हेवनली स्वीट इसलिए है जी क्योंकि इसकी बालकनी देखने के बाद यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हेवनली स्वीट एज ऑफ लुकिंग टू ब्रश फेल ओह एंड आउटडोर बाथटब इज वेल ये पूरा जो आपकी बालकनी से नजर आता है ये उबद के अंदर जो राइस फील्ड नजर आ रहे हैं बनाना फार्मिंग नजर आ रही है इसके अंदर आपको ये इस बालकनी से वो नज़ारे नज़र आएंगे जो नज़ारों के लिए आप यहाँ पे आए हो जस्ट लुक दैट द व्यू इस हेवनली स्वीट की जो मेनली चीज़ है बेड तो सेम ही होते सब जगह कई इंडियन यही कह रहे थे सोना ही है यार क्या फ़र्क पड़ता है बट जो हनीमून कपल्स आते हैं जो लग्जरी ट्रैवल आते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं तो ये व्यू बहुत मायने रखता है क्योंकि जो मुंबई जैसे बेंगलोर जैसे शहरों में रहते हैं ना तो उनको ये व्यू मिलता नहीं कभी क्योंकि वो एक तरह के कंक्रीट के जंगल में होते हैं जो कंक्रीट के जंगल में है ना उसके लिए ये व्यू बहुत वैल्यू रखता है प्राइस देखना भी अराउंड 800,000 रुपया अप्रॉक्सिमेट $70 to $80 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट ओके ये आ गया जी अपना डीलक्स रूम रूम बहुत खूबसूरत है 32 इंच का LED है और बेड बहुत अच्छा है वुडन सेम यूज़ की है बस इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कम है बेड के ऊपर जो साइड पे वहाँ पे एक डेकोरेशन की हुई है एंड कपबोर्ड है कपबोर्ड सेम है सेम डेकोरेशन के साथ बनी हुई वॉशरूम सबसे हम इंडियन के लिए इम्पोर्टेड वॉशरूम बहुत अच्छा है स्मॉल नहीं है मेरे को लग रहा है स्मॉल है ये शावर आ गया और प्रॉपर एक
अच्छा रूम है वॉशरूम, हम ये नहीं कह सकते कि स्मॉल है, प्रॉपर एक अच्छा रूम बना हुआ है वॉशरूम में। ये आपको इनका रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, वो भी लोकेशन सबसे अच्छी है, फूड तो खाने के बाद ही कुछ आइडिया होगा। ओके, KK restaurant. This is very easy. Okay. Then the view was nice. Ah. There's also looking to the rice field. Then also in the afternoon that you can see that's really really nice sunset. Okay. ये भी मेजर चीज़ है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर ये सनसेट व्यू आ जाता है जी, इस तरह, क्योंकि ये टेबल उन्होंने इस तरह के से प्रोवाइड किया है कि लोग आराम से यहाँ बैठ के राइस फील्डिंग के साथ, राइस फील्ड के साथ सनसेट को बहुत इजीली इंजॉय कर सकें। ये इस तरीके से बनाया गया है, रेस्टोरेंट की लुक बहुत अच्छी है, ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। इसके अंदर मेजर चीज़ है कि सारा रियल और नेचुरल वुडन यूज़ हुई है, ये चीज़ आपको, ये चीज़ मेजर जो नज़र आ रही है, इनकी लोकल वुडिंग भी है सारी चीज़ें। बेसिकली ब्रेकफास्ट तो अपना फ्री है इस, अब कोई भी लेते हो, विला लेते हो, डिलक्स रूम लेते हो, या आप हेवन स्वीट लेते हो, ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल फ्री है। तो मेनू मेरे को एक बार देखना था कि सो दैट आप लोगों को फूड के रेट बता सकूँ कि अगर आप यहाँ पर 3 दिन के लिए स्टे करते हो तो यहाँ के फूड के प्राइसेस कैसे हैं। फूड के प्राइसेज ऐसे हैं कि एक मील अगर आप लेते हो तो अप्रॉक्सीमेट समझ के चलिए आपको 400 से 500 का मील मिलेगा, जो 4-star मोस्टली प्रॉपर्टीज़ में होता है, उससे थोड़े से कम ही है, उससे कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे आप कॉफ़ी लेते हो तो 52,000 रुपये की है अप्रॉक्सीमेट, वही 300-350 बनते हैं, क्योंकि मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है। $1 का समझिए 14,000 मिलता है, तो अब आप सिंपल सी लगा लीजिए, $4 समझ लीजिए या $3 समझ लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेट $4 की कॉफ़ी है, तो वही 250 रुपये बनते हैं। $1 का 14,000 इंडोनेशियन मिलते हैं, करेंसी के चेंज मुताबिक मैं डॉलर की बता देता हूँ। अदर मील्स वहाँ पे 125, 165, और इसके बीच में ही है। मैं आपको एक बार मेनू के ऊपर भी व्यू करा देता हूँ। बजट में तो आ जाएगा जी, अगर हम रहना चाहें, अगर डीलक्स रूम रह के रहना चाहिए विद खाने के साथ, मेरे को लगता है ये आपको डिनर के साथ जो पैकेज है 5,000 रुपये के अंदर दे देंगे, जिसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट डिनर होगा, लंच के लिए आप आउटर नहीं जा सकते हो।